हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बिजनेस स्टडीज का प्लानिंग चैप्टर। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने प्लानिंग की बहुत यहाँ पे मीनिंग लिखी है जो कि थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स में अभी। ठीक है, तो पहले मैं इसको समझाता हूँ आपको, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहला बच्चों, प्लानिंग का मैं मीनिंग का मतलब बताता हूँ आपको। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ना क्या करती है बच्चों, हमेशा एक प्लानिंग करती है। वो हमेशा क्या करती है बच्चों, एक प्लानिंग करती है। मान लो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया बच्चों, प्लानिंग किया कि हमें एक साल के बाद, आफ्टर वन ईयर, मान लो कि ये वाले ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग किया कि हमें 20% सेल्स को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए बच्चों ये टारगेट बन गया जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एक साल के अंदर क्या करना है, पाना है ना। तो मतलब अगर मैं पूछूं, एक साल, अगर मैं, ये एक साल है, ठीक है, मान लो कि ये एक साल है, ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आज हम लोग यहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आज हम लोग यहाँ पे है, और ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि एक साल के बाद हमें ये वाला टारगेट को अचीव करना है ना। तो आज के समय ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्टेट में, वी आर, मतलब अभी के समझ लो, आज के इसमें ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या, वी वॉन्ट टू रीच, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे रीच करना है एक साल के बाद, वी वॉन्ट टू रीच, ठीक है, वी वॉन्ट टू रीच। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन बच्चों हमेशा क्या करती है, वो सबसे पहले ये पहले ही सोच लेती है, थिंकिंग इन एडवांस, वो पहले ही सोच लेती है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू। हमें क्या करना है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में सोच लेती है कि हमें क्या करना है फ्यूचर में। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, अपना टारगेट बना दिया था कि हमें 20% सेल बढ़ाना है, ठीक है, यह है व्हाट टू डू। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बच्चों, हाउ टू डू, कैसे करे, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन जैसे डिसाइड कर लेती है कि उनका जो टारगेट है, इस टारगेट को हमें कैसे करना है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हर ऑर्गेनाइजेशन भी पहले डिसाइड कर लेती है, साथ ही साथ बाय हुम, मतलब इसका भी मतलब बता दो सर, इसका मतलब बच्चों होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ना ये भी डिसाइड कर लेती है, ठीक है, हम लोग ने टारगेट बना लिया, हम लोग ने ये भी डिसाइड कर लिया कि कैसे अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि ये जो टारगेट है ये कौन करेगा, बाय हुम मतलब कौन करेगा, ठीक है। अब इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बच्चों, यहाँ पे वैन है, ठीक है, एंड वैन, अब यहाँ पे बच्चों वैन का मतलब क्या है, कब, वैन का मतलब क्या है बच्चों, कब। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बच्चों, अब ध्यान से देखना, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, थिंक इन एडवांस, मतलब वो पहले ही सोच लेती है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, किस व्यक्ति से करवाना है और उस व्यक्ति से कब करवाना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ना बच्चों पहले ही डिसाइड कर लेती है। तो प्लानिंग मतलब क्या होता है, ये सिर्फ सोचना है, ये फंक्शन जो है इसमें सिर्फ हम सोचते हैं। अब इसके आगे बच्चों यहाँ पे एक टेक्निकल सी वर्ड है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच। देखो, अभी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्टेट में है, अभी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों यहाँ पे है, मतलब अभी भी ऑर्गेनाइजेशन इस डेट में सोच रही है कि हमें फ्यूचर में एक साल के बाद हमें ये करना है ना। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, वी आर मतलब अभी प्रेजेंट में ऑर्गेनाइजेशन इधर पे है, इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी आर मतलब प्रेजेंट में ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है और ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, वेयर वी वॉन्ट टू रीच, मतलब टारगेट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये प्लानिंग जो फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है कि वो कैसे अपने टारगेट को पूरा कर ले। तो ये दोनों के बीच में क्या करता है, ब्रिज बना देता है, एक रास्ता बना देता है, ठीक है। तो इसलिए, और यहाँ पे मैंने लिखा है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच।
तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप प्लानिंग का अगर मैं पूरा मीनिंग आपको एक बार बता दूं तो प्लानिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले पहले से ही सोच लेती है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेगा, ठीक है। और ये क्या कर और इसके आगे इट बीजेस ये क्या करती है, एक रास्ता बताती है ऑर्गेनाइजेशन को कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ प्रेजेंट स्टेज में है और वो कैसे अपने टारगेट तक पहुंच सकती है, ठीक है। तो ये पूरा है प्लानिंग का मतलब, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है और साथ ही साथ केस स्टडी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है टॉप लेवल कंज्यूम्स मोर टाइम ऑन प्लानिंग देन अदर फंक्शन। बच्चों टॉप लेवल मैनेजमेंट जानते हो ना, टॉप लेवल मैंने आपको चैप्टर वन में बताया था कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ना वो प्लानिंग में सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा काम करता है प्लानिंग में, ठीक है। अब सेकेंड है थिंकिंग इज एसेंस ऑफ प्लानिंग। देखो ये जो थिंकिंग है ना बच्चों, ये क्या है थिंकिंग, ये प्लानिंग का एसेंस है। सब ये एसेंस मतलब देखो बच्चों आपकी लाइफ में भी ना आप सबसे एक कोई भी पीपल होगा उसे सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे, चाहे आपका डॉग होगा, कोई पेट होगा, या आपकी गर्लफ्रेंड होगी या बॉयफ्रेंड होगा, या फिर आपके मॉम होंगे या फिर डैड होंगे, आप किसी ना किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे और उसके बिना ना आप रह नहीं सकते होंगे। तो वैसे ही सेम चीज ये जो थिंकिंग है ना ये प्लानिंग का एसेंस है, मतलब थिंकिंग या प्लानिंग ये दोनों आपस में रह नहीं सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लानिंग का, ठीक है। तो एसेंस मतलब होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे थिंकिंग और प्लानिंग आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि प्लानिंग के मतलब थिंकिंग बच्चों प्लानिंग के अंदर आता है और ये थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये एसेंस ऑफ प्लानिंग है। तो एक नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग, तो इसका आंसर है थिंकिंग इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। अब इसके थर्ड पॉइंट है मेन पॉइंट इन डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग आर। हाँ ये भी ना आपके बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था कि मेन पॉइंट्स इन डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, तो सबसे मेन पॉइंट है बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे मार्क करवाया ना, सबसे मेन पॉइंट है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय हुम, बाय व्हेन। ये चार जो पॉइंट्स है ना ये प्लानिंग की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट हुआ होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ प्लानिंग, ठीक है बच्चों। प्लानिंग का ना एक स्टेप आता है, मैं आगे आपको एक प्रोसेस सिखाऊंगा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में, तो वहां पे ना सबसे बहुत सारे प्रोसेस दिए हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्योंकि बच्चों आप ही देखो कि जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी होता है कि सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, उसी के टारगेट के हिसाब से वो क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है प्लानिंग का, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। सो अब हम लोग आ गए फीचर्स, नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग में। तो सबसे पहला है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बच्चों जो भी फर्म्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपना सबसे स्पेसिफिक जो टारगेट उन्हें करना है, मतलब जैसे मैं स्पेसिफिक गोल्स, मतलब देखो मान लो कि ये जो अगर मैंने एग्जांपल यहां पे आपको बताया, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमें सेल्स को बढ़ाना है, हमें सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है बच्चों, जनरल गोल होता है। ये क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन का जनरल गोल। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बोले कि हमें फ्यूचर में सेल को बढ़ाना है 20% से 20%, देखो 20% ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक हो गई, एकदम स्पेसिफिक हो गई कि हाँ हमें फ्यूचर में 20% बढ़ाना है। तो सबसे पहला यही है पॉइंट कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव का मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक एकदम स्पेसिफिक गोल बनाती है कि उन्हें एक्चुअली में क्या पाना है फ्यूचर में। अब प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो बच्चों ये जो प्लानिंग फंक्शन है ना ये सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। ये फंक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग फंक्शन नहीं होगा ना, तो कोई भी अदर फंक्शन आप नहीं कर सकते। मतलब जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या था, 20% को सेल इंक्रीज करना है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग था। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्लान सेट नहीं करती तब तक की कोई अदर फंक्शन, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, आप जानते हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
कंट्रोलिंग, ये बहुत सारे फंक्शन है जो आपको मैंने पिछले ही लेक्चर्स में बता चुका है, पिछले चैप्टर्स में बता चुका है। तो जब तक प्लानिंग फंक्शन नहीं होता ना बच्चों, तब तक ये सारी फंक्शंस भी नहीं होती। अब प्लानिंग इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब समझते हैं आप? परवेसिव का मतलब होता है बच्चों एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब क्या होता है बच्चों? एवरीवेयर। तो प्लानिंग जो फंक्शन है ना वो प्रेजेंट एवरीवेयर एट ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड लेवल्स। ये प्लानिंग जो फंक्शन है ना, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल, चाहे वो टॉप लेवल क्यों ना हो, चाहे वो मिडल लेवल क्यों ना हो, चाहे वो लोअर लेवल क्यों ना हो, हर लेवल में ये प्लानिंग का फंक्शन काम करता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अब सही बात है, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन ना क्या करती है, अपना प्लान करती है फ्यूचर के लिए। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्या किया कि हमें फ्यूचर में 1 साल के बाद 20% सेल को बढ़ाना है, तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए अपना एक टारगेट सेट कर रही है। सेम चीज है, प्लानिंग जब भी हम करते हैं ना तो बच्चों ये हम फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग इज फ्यूचर फॉरकास्ट लुकिंग, ठीक है? तो हम हमेशा प्लानिंग क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। अब प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। देखो बच्चों, देखो इसमें क्या रहता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है, मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, तो इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ना बच्चों ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बहुत सारे प्लान करती है। ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, ऐसे बहुत सारे प्लान रहते हैं उनके पास। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो देखती है कि इनमें से, इन सारे प्लान में से ऐसा कौन सा प्लान होगा जिससे हम बहुत जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव को पा लेंगे, है ना? तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि प्लानिंग फंक्शन में बच्चों क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव, का मतलब होता है बच्चों बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है? तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास ना बच्चों बहुत सारे प्लान होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे प्लान में से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सबसे बेस्ट प्लान को चुनती है जिससे वो अपना ऑब्जेक्टिव को इजिली पा लेती है। तो प्लानिंग इन लॉर्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब बच्चों ये है, ठीक है? अब प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये जो प्लानिंग फंक्शन है ना बच्चों, ये हमेशा चलता रहता है, हमेशा 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 ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर ने बोला कि चलो यार मैं प्लानिंग कर लिया हूँ, अब मैं घर में बैठ के चाय पीऊंगा, ऐसा नहीं है। ये मैनेजर भी ना जैसी प्लानिंग कर लेता है ना, तो उसके बाद भी वो क्या करता है, उसके बाद भी उसको प्लानिंग करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में आके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग को हम हमेशा हमेशा के लिए करते रहते हैं, कभी भी प्लानिंग का प्रोसेस स्टिल नहीं रहता, हम उसको हमेशा सालों साल तक, महीनों महीनों तक, घंटे घंटे तक हम लोग वो करते रहते हैं। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देखो प्लानिंग करना ना बच्चों एक इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होना चाहिए। प्लानिंग करने के लिए ना आपको इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो सपोज करना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कि ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई भी बिजनेस है, इस बिजनेस ने सोचा कि ना मैं अपना मोबाइल को फ्यूचर में बेचूंगा, उसका मान लो कि कोई भी मोबाइल हो, एबीसी मोबाइल होगा उसका, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि मैं एबीसी मोबाइल को अपना फ्यूचर में बेचूंगा। तो इससे क्या करना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग कर लेनी चाहिए और प्लानिंग इमेजिनेशन प्लानिंग होनी चाहिए। कोई भी मतलब जो भी प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, मतलब प्लानिंग जो भी करता है ना उसको इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर बोला कि मैं एबीसी मोबाइल फ्यूचर में लॉन्च करूंगा, तो उसको ये फ्यूचर में इमेजिन करना चाहिए कि मेरे इस मोबाइल को लॉन्च करने से क्या गवर्नमेंट में कोई घाटा तो नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी गवर्नमेंट साइड सेक्टर में, या ऐसे कोई लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब कभी भी कोई भी आप प्लानिंग करते हो ना, तो सबसे पहले आपको उसको उस चीज को इमेजिन करना है फ्यूचर के लिए कि हाँ अगर मैं इस प्लान को बनाऊंगा तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होगी और कौन सी इससे हमें फायदा होगा। तो ये आपको ना अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, ठीक है? तो प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पे हमें इमेजिनेशन करना करना पड़ता है, ठीक है? तो बच्चों ये थे, मैंने अभी आपको प्लानिंग की मीनिंग बताई और फीचर्स बताए। अब इससे बच्चों कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया था इसके फीचर में, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है, अगर ये फंक्शन नहीं रहा तो आप कोई और फंक्शन भी नहीं कर सकते। मैंने यहाँ लिखा भी है, बेस फंक्शन ऑन विच अदर फंक्शंस आर परफॉर्म, विदाउट प्लानिंग नो अदर फंक्शंस कैन बी परफॉर्म, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, प्लानिंग, ठीक है सर? प्लानिंग फंक्शन इज कंसीडर्ड एट विच लेवल, प्लानिंग फंक्शन बच्चों कौन से लेवल में
हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग इज परवेसिव, मतलब प्लानिंग को हम हर लेवल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह फॉलो करते हैं। तो प्लानिंग किसका आंसर होगा बच्चों? ऑल लेवल्स, दैट इज टॉप, मिडल, लोअर। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी तो यही पूछा था ना कि कौन से लेवल में, कौन से लेवल में हम लोग फॉलो करते हैं। तो टॉप, मिडल, लेवल, तीनों लेवल में हम प्लानिंग फंक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। प्लानिंग तक का हम लोग ने टॉपिक कर लिया, इसके आगे वाला जो टॉपिक होगा उसको हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में जानेंगे। चलो अभी के लिए इतना ही बच्चों, बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स।